स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूँ आपका मिस्टर सिंह, आया हूँ एक और धमाकेदार मोटिवेशन कार लेके, तो जो कि रहने वाली है हमारे सम्मी भाई की। तो क्या है सम्मी भाई? बस बढ़िया। तो सम्मी भाई अपने बारे में कुछ बताओ। दिशा सम्मी राजपूत और मैं हूँ एक डाइवोशनल सिंगर। भाई मेरे से आज मिले, नियर बाई रहते हैं। तो भाई ने गाड़ी देखी, कहने लगे कि भाई बहुत अच्छी मोटिवेशन करा रखी है। तो ज़रूरी काम मैंने जो भी ज़रूरी थे वो करवाए हैं। भाई ने जो भी मोटिवेशन करा रखी है बहुत ही सिंपल और बहुत ही तोड़, जिसे कहते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में, ऐसी मोटिवेशन करा रखी है। ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करा रखा और छोटी छोटी चीज़ें भाई ने ऐसी करा रखी है जिसको आप देख के बहुत दंग रह जाएंगे दोस्तों। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं नई वीडियो। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी ग्रिल से। तो ये भाई आफ्टर मार्केट ग्रिल है। तो भाई कितना टाइम हो गया आपको ग्रिल लगवाए हो? ये सब हो गया 1 ईयर हो गया इसको लगवाए हुए। और इसकी एक खासियत ये है कि और ग्रिल जो होती है डल हो जाती है थोड़ी सी, बट ये डल नहीं हुई क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली, आप एक बार चीज़ लोगे थोड़ी सी कॉस्टली लगवा लो कि उसके बाद वो प्रॉब्लम नहीं करती। तो ये डल नहीं हुई है, इसकी खासियत है। ये हेडलैम्प ग्रिल है, इसका भी वही टाइम हो चुका है, 1 ईयर ओल्ड हो चुका है। लेकिन इसमें जैसे जंग आ जाती है या फिर डल हो जाती है वो चीज़ नहीं है, कपड़ा मारो या साफ़ हो जाती है। और बाकी आप देख सकते हैं कि ये ग्रिल लोकल मार्केट में मिल जाती है, बट थोड़ा सा आप हल्का सा रेट में ऊपर जाएंगे तो उसके बाद आपको चीज़ बढ़िया मिल जाएगी। जैसे कि गाइस देख सकते हो, जो नॉर्मल ग्रिल होती है हम कुछ टाइम बाद इसके अंदर रस्टिंग आ जाती है, तो इसके अंदर कहीं भी रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आई। जो गंदा हो जाता है, कालापन पड़ जाता है वो भी नहीं है रखा है। हेडलैम्प पे जो है वो भी क्रोम लगवा रखा है, और क्रोम के अंदर हेडलैम्प की हम बात करें तो भाई इसके अंदर जो कंपनी से फिटेड आती है वही हेडलैम्प है, आपने चेंज कराई अभी तो कंपनी फिटेड है। और मेरा विचार था कि मैं इसमें आने वाली HID या फिर अपग्रेड करवा लूँ, बट मेरे को लगा कि मैंने गाड़ी दूसरी चलाई तो HID का वो रिस्पॉन्स नहीं है। रात में हाईवे पे या फिर दिक्कत है, और चलान भी है तो गवर्नमेंट रूल भी फॉलो करने हैं उसके हिसाब से भी। ये बहुत अच्छी बात है भाई, गवर्नमेंट रूल फॉलो करते हुए जो चीज़ वो गवर्नमेंट अलाउड करती है, जितना अलाउड करती है उतना ही करें। तो मैंने वही अपने येलो वाले लैंप लगे हुए जो ओरिजिनल कंपनी से आए थे। फॉग लैंप भी इसमें येलो वाले हैं और हेड लैंप भी येलो वाले हैं। सो अभी कुछ इसमें अपग्रेड नहीं करा और आगे मूड भी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएगा। और एक और बात गाइस, मैं आपको फॉग लैंप दिखाना चाहूँगा। फॉग लैंप तो भाई, इस फॉग लैंप का रिस्पॉन्स बताओ कि इस फॉग लैंप का रिस्पॉन्स। मिंडा के फॉग लैंप है और अप्रोक्स 1200-1300 रुपये के करीब आ जाएंगे ये। बट इसका फ़ायदा ये है कि इसके बल्ब हैं जो उसकी बीम है काफ़ी हाई है, और बीम रोड पे पड़ती है। कई फॉग लैंप होते हैं जिनकी बीम सिर्फ ऊपर रहती है, फिर वो जलने में दिखते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते। बट ये दोनों फॉग लैंप ऐसे हैं कि रीजनेबल प्राइस में रिस्पॉन्स भी रात में हाईवे पे या फिर अंधेरे में वो प्रॉपर रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो भाई ने और भी मॉडिफिकेशन करा रखे हैं, जैसे कि बोनेट पे लिखवा रखा है ये सुपरमैन का लोगो है, और जैसे कि भाई का प्रोफेशनल काम है सिंगिंग का, तो भाई की देख सकते हो जय माता दी लिखवा रखा है भाई ने ऊपर। और ये देखो गाइज, साइड मिरर पे भी भाई ने क्रोम लगा रखी है, और इसमें कहीं पे भी रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी रस्टिंग नहीं है। 1 साल हो गया इसको लगवाए हुए और कोई भी अभी इस पे कोई भी ऐसी चीज रस्टिंग नहीं है, रस्टिंग या फिर साइड में डोर हैंडल पे भी मैंने क्रोम करवा रखी है, और ये एक यहाँ पे भी क्रोम आती है, प्रॉपर स्टील की क्रोम है। देख लो गाइस, हाँ ये प्रॉपर स्टील है जो कि थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, बट लेकिन ठीक है, लॉन्ग टाइम चलती है। इसमें भी कोई भी आप देखोगे कोई डस्टिंग या फिर कोई भी जंग जैसी। और डोर वाइजर भी भाई के देखो कितने हैं, डोर वाइजर कंपनी के हैं, ये कंपनी फिटेड है, कंपनी फिटेड। जो शोरूम पे मैंने गाड़ी ली थी उस टाइम मेरे को उन्होंने कहा था लोकल लगवाएंगे तो आप 300-350 के मिल जाएंगे, लेकिन बट 700 रुपये के लिए दिए थे। और ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ना कोई इसमें अभी तक टूटे हैं, ना डल हुआ कलर, कुछ भी टेंशन नहीं है। और मैंने छत भी करा रखी है, आप दिखा सकते हैं, ये ग्लोसी ब्लैक है भाई, ये मैट ब्लैक नहीं है, वन इसमें कोई कट नहीं है, कोई भी जोड़ नहीं लगा हुआ, एक ही सीट, ये पूरी सीट सिंगल सीट लगी हुई है, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं कट लगाया हुआ है, कहीं कुछ लगाया हुआ। ये ग्लोसी ब्लैक है, जैसे मैं दिखा सकता हूँ, थोड़ी सी गंदी हो रही है बारिश की वजह से। तो ये तो आइए भाई, आप उस साइड से आओ, मैं इस साइड से आता हूँ, खोलते हैं और देखते हैं अंदर। इस गेट खोलते ही वेलकम प्लेट लगा रखी है भाई ने, ऑटो केट अल्टो केट एन। और तो भाई सीट कवर का बताओ, सीट कवर कौन सा क्या लगाया? ये सीट कवर कंपनी से किट मिलती है, एक
शायद वो थी 7 से 8 हज़ार की थी, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं, 1 साल हो गया। तो उसमें मेरे को ये सीट कवर मिले थे, और तो ये बकेट फिट सीट कवर है कौन नहीं, सा? इसमें नॉर्मल जिप वाले सीट कवर है, जिसमें जिप पीछे वाले? बकेट की जगह मेरे को एक छोटा सा स्पेस मिला हुआ है सामान रखने के लिए। और आप देख सकते हैं इस मैट के नीचे, जब मैंने गाड़ी ली थी तो ओरिजिनल ये थे, ये वाले ओरिजिनल, ये ओरिजिनल कंपनी के हैं ये। मुझे ये और परफ्यूम, सीट कवर, अलॉय व्हील के कवर, पहले इसमें अलॉय नहीं थे, और चारों चारों अलॉय व्हील के कवर, ये सीट मैट, सब चीज तो इतनी गाइज मैं है। एक बार आपको अलॉय व्हील दिखाना चाहूंगा। तो ये देखो गाइज कितने बढ़िया अलॉय व्हील है। तो ये भाई कौन सा ब्रांड रहने वाला है अपना अलॉय व्हील का? ये कौन सा ब्रांड है? ये ताइवान, ब्रांड तो चाइनीज है, बट चाइनीज लेकिन ब्रांड, चाइनीज में अपग्रेड है। चाइनीज में? दो या तीन तरीके के चाइनीज होते हैं, एक लोअर क्वालिटी होता है, एक मीडियम क्वालिटी, एक हायर क्वालिटी। ये हायर क्वालिटी वाले चाइनीज है, बट लेकिन इसमें 1 साल में कोई भी, अभी आप देखोगे, इशू नहीं है, कोई भी स्क्रैच नहीं है, कोई भी कलर डल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और एक इंची अपग्रेड लो कराए हैं। और आते फिर से अंदर की तरफ। तो भाई आपने गाड़ी कितनी चला ली? ये गाड़ी चल चुकी है अभी तक 12,000 किलोमीटर, और 1 साल इसको पूरा हो गया। आप देख सकते हैं, मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ थोड़ा, एक सेकंड गाइस, आप देख सकते हैं 12,536 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ये छोटी गाड़ी है तो भाई मारुति। ने एयर प्रो लगा रखा है, परफ्यूम। और हाँ भाई सनरूफ की लाइट देखो इसकी, ये डोर लाइट जो है भाई ने कितनी मस्त लगवा रखी ये है। मैंने एक इसलिए एक्स्ट्रा लगवाई है कि थोड़ा मेरा रात में स्टडी वगैरह करने का कुछ प्रॉपर होता है तो उसको कर लेते हैं, और या कुछ सामान होता है जरूरी तो वो दिख जाता है। और अच्छी लाइट है, अच्छा पूरा कैबिन इसमें रोशन है, देख सकते हैं आप, पूरा कैबिन को कवर कर लेती है ये लाइट। इससे एक्स्ट्रा लगा रखी है, थोड़ा सा और लुक अच्छे बन जाता है। और परफ्यूम ये मैंने जो लगा रखा है, ये थोड़ा मेरा सिंगिंग का वर्क है तो भाई ने अपने प्रोफेशन के तो हिसाब से ये माइक लगवा रखा है, तो भाई को कभी गाने वाने का मन होता है तो भाई इसमें गा लेते हैं। तो और बात करें इसकी म्यूजिक सिस्टम की, सो ये कंपनी फिटेड है, मैंने कोई भी इसको अपग्रेड नहीं भाई कराया। अभी आपने इसमें जो म्यूजिक सिस्टम है वो क्यों नहीं अपग्रेड कराया? या आपको अच्छा नहीं लगता है, या आप कराना नहीं चाहते नहीं, थे? तो मैंने मोस्टली देखा है, जब भी हम कोई भी कंपनी से हटके ये मैं निकलवा देता हूँ, या फिर एलईडी वगैरह कई ऑप्शन आते हैं, वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाते चाइनीज चाइनीज। ब्रांड आते हैं, कुछ हाँ इंडियन ब्रांड भी आ रहे हैं आजकल, एंड्रॉयड ब्रांड्स भी ये हैं। जो ये इसमें लगा हुआ है, ओरिजिनल कंपनी फिटेड है। अब तो हमें गाने ही सुनने होते हैं मोस्टली आजकल, फोन तो सब लगा ही लेते हाँ हैं, जी अगर देखना होता है। और छोटी गाड़ी है, तो अगर मैं यहाँ पे एलईडी लगा लेता हूँ तो कोई भी बच्चा हाथ वाथ टच करेगा तो प्रॉब्लम भी थोड़ी हो सकती है, गाना बंद हो वेट सकता है, करेगा। कुछ भी लोक हो सकता है। सो उस पर्पज से मैंने, एक तो ये कंपनी का है इसलिए ज़्यादा बेटर है, और कंपनी के इसमें ये स्पीकर देख रहे हैं आप, ये स्पीकर भी कंपनी के लगे हैं, कोई भी इसको अपग्रेड नहीं कराया मैंने जैसा, क्योंकि भाई ने पहले ही बोला था कि गाड़ी में मैंने वो चीज़ करवाई है जो ज़्यादा ना ओवर, जो ठीक ठाक लगे उसके हिसाब से। सिंपल एंड सोबर, सिंपल हाँ बात कहें तो सिंपल एंड सोबर, और लॉन्ग टाइम चल सके जो लॉन्ग चीज़ें। टाइम पर्पस। तो म्यूजिक में कोई नहीं, अपग्रेडेशन म्यूजिक नहीं है? बहुत अच्छा है इसका, और मैं चला के दिखाता हूँ थोड़ा इसका, एक सेकंड, आप देख सकते हैं। तो एक बार फुल वॉल्यूम करके दिखाओ भाई इसकी। तो ये म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर, भी गाड़ी के डोर खुले हुए हैं तो थोड़ा सा फैल गया, बट लेकिन डोर बंद होते तो शायद हमारी अब बात भी नहीं हो पाएगी आपस में, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। तो भाई आपने स्पीकर इसमें कौन से जो कंपनी से फिटेड हैं वही लगवा रखे हैं, इसको चेंज करा के या कुछ और? इसमें आगे वाले जो दो स्पीकर लग रहे हैं वो कंपनी फिटेड है, कोई छेड़ा नहीं है मैंने। पीछे जो दो लगे हैं वो असेंबल करवाए हैं मैंने। तो भाई ये कौन से आपने स्पीकर लगवा ये रखे हैं? पाइनर के लगे हुए हैं स्पीकर मेरे दो, पायनियर। और अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, बहुत अच्छा है। एक में एक फर्स्ट कॉपी आता है और एक ओरिजिनल आता है, ये मैंने ओरिजिनल लगवा रखे हैं, और बहुत अच्छा, और आवाज़ भी काफ़ी लाउड है, लाउड है, क्लियर है, लाउड के साथ क्लियर भी है। और स्पेस आप देख सकते हैं, मैंने कोई सीएनजी अभी फिट नहीं कराई है, सो मेरे को स्पेस पूरा मिलता है इसके अंदर, कोई भी सामान रखने का या फिर कुछ भी, मेरे को बैग वगैरह टूरिंग करने पड़ती है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा बूट स्पेस है इसके अंदर। तो पीछे लगवा रखे स्पॉइलर अपना, इसके अंदर लाइट लाइट आती है तो जब ब्रेक आती है तो इसमें लाइट जलती है अपनी। है ये स्पॉइलर लगवाया है, और ये मीडियम कंपनी का है, अच्छा है, और इसमें अभी तक कलर नहीं उतरा, मैंने कई देखे हैं कि 1 साल में ना तो कलर गाइस हो देख जाते हैं, सकते हो जो शाइनिंग कंपनी रहती है। की
जो कार का कलर है उसी से मैचिंग है, कोई कलर ऐसा नहीं है कि डल हुआ है इसका या फेड पड़ गया है कलर, तो सेम कलर है इसके अंदर। और भाई ने ये क्रोम बैक लाइट पे भी, टेल लाइट पे भी अपनी क्रोम लगवा रखी है, जो कि थोड़ी थोड़ी जहाँ से दिख रही यहाँ है से जल रही रस्टिंग है हो थोड़ी चुकी सी, है। क्योंकि कपड़ा नहीं लगता कभी कभी इस पे, हाँ, बट तो लेकिन अगर जो रस्टिंग ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर आप क्रोम पे ये नहीं मारोगे, कपड़ा नहीं मारोगे, तो कुछ टाइम बाद ये रस्टिंग की प्रॉब्लम आती आती है। और प्रोटेक्टर लगवा रखा है भाई ने अपना, तो ये देख सकते हो स्टील का, पूरा स्टील है, ठोस है ये पूरा, मैं बजा के दिखा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये अपने जो नॉर्मल प्रोटेक्टर आते हैं वो है ये, और बैजिंग हो रखी है अल्टो के 10 की। तो ये मॉडल रहने वाला है अल्टो के 10 VXI। VXI, तो ये मॉडल है आप अपना। देख रहे हो छोटी छोटी चीजें मैंने अपग्रेड कर रखी है, जैसे ये रात में जब इस पे लाइट ये आती है ना, देखो, हेडलाइट किसी पीछे से गाड़ी से, तो बहुत एक और भाई ने एक्टिव इसके अंदर लुक एक आती खास लाइट भी लगवा रखी है, बहुत है। अच्छी वो भी लगी मैं जो जला मेरे के को देखो। दिखाऊंगा। तो भाई एक बार इसको जला के दिखाएंगे, एक बार जलाना भाई, देख सकते हो गाइस लाइटिंग बहुत अच्छी करा रखी है भाई ने। ये ये रात में नंबर मतलब प्लेट की तरफ ब्लू कलर की लाइट जला रखी है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रखा है। ये अपनी रनिंग लाइट डलवा रखी है भाई ने, जो पूरी डिग्गी में पूरी रनिंग लाइट होती है, जो पूरी मल्टी कलर फंक्शन होते हैं इसके अंदर, ये मल्टी कलर अभी जलता है रात पूरा हो रही है, अगर दिन हो रहा है, सॉरी रात होती है ना, तो आपको बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिलता है। गाइस। पूरी देख सकते हो वैसे कि अगर दिन में इतना अच्छा व्यू आ रहा है इस लाइटिंग का, तो रात में कितना अच्छा व्यू आता होगा इस लाइटिंग का। तो बहुत अच्छी लाइटिंग लगवा रखी है भाई ने, और नंबर प्लेट के पास भी इन्होंने क्रोम लगवा रखी है। तो पीछे भी गाइस देख सकते हो वेलकम प्लेट लगी हुई है, और सीट कवर लगे हैं अपने बढ़िया, और ये कंपनी से ही भाई ने सीट कवर लगाए थे, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और वैसे कोई प्रॉब्लम है भाई सीट कवर में आपको बैठने नहीं, में अभी कभी? कोई कंफर्ट है, गाड़ी कंफर्ट है, ज़्यादा कुछ छोटी गाड़ी है, छेड़ने से फ़ायदा नहीं है, और स्पेस अच्छा है, तो अभी यही सीट कवर मेरे को तो गाइज सूट मैं होगा। दिखा सकता हूँ आपको बैठ के कि कितना स्पेस है। अगर ये देखो कितना स्पेस मिलता है, अगर आप नॉर्मली बैठा है कोई बंदा जो 5 फुट 6 इंच का है, तो वो नॉर्मली आराम से बैठ सकता है। 6 इंच का, 6 फुट का भी बंदा आराम से बैठ सकता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो भाई बात करूँ अगर मैं डोर की, तो आपने डोर में डैम्पिंग वगैरह या कुछ ऐसा कुछ करा रखा है अभी डैम्पिंग मैंने में कुछ भी नहीं कराया है इसमें डोर के डैम्पिंग अंदर? वगैरह, क्योंकि अभी नई गाड़ी है, तो ज़्यादा मैं इसको खुलवा नहीं रहा, और डैम्पिंग करवानी है मुझे, और डैम्पिंग भी और सेंटर लॉकिंग भी करवानी है, तो अभी तो प्रॉपर काम चल ही रहा है। और अभी मैंने पूछा था डैम्पिंग के लिए, तो वो भी मैं ओरिजिनल करवाऊंगा, क्योंकि कोई ये चीज़ ऐसी है, एक बार ये खुलेगा तो फिर एक ही बार खुले, ज़्यादा ज़्यादा बार खुलने से पेच वेच वगैरह सारी लूज़ हो जाते हैं, इसलिए। हमने भाई का भी वैसे चैनल है, भाई का चैनल का नाम बता देता हूँ, सम्मी राजपूत के नाम से भाई का चैनल है। भाई सिंगिंग करते हैं उसमें, प्रोफेशनल सिंगर है भाई, बहुत अच्छी अच्छी एल्बमें निकाली है। तो भाई का चैनल प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना, और लाइक करना, और शेयर करना, कमेंट करना, और जिसको भी ये वीडियो पसंद आए, और क्या करना है भाई आप लाइक बताओ। शेयर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि भाई ऐसी नई नई वीडियोस, नई नई आपको कारों की वीडियोस और नई नई मॉडिफिकेशन दिखाते रहेंगे, आगे भी कोशिश करेंगे। आज भाई मेरे से मिले हैं, सो आगे भी हम भाई दिखाने की कोशिश करेंगे, और हमसे भी जो आगे अपडेट कराऊंगा, तो मैं आगे इस चैनल पर ज़रूर दिखाऊंगा। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़।